शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने, केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती। माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देखकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था, यही शरद पूर्णिमा का दिन था। धन उलझ गया, तुमने तो कोई अच्छा सोचकर किसी को पैसा दिया, अच्छा सोचकर किसी को धन दिया और वह धन उलझ गया, नहीं आ रहा, पैसा वापस दे ही नहीं रहा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की दो थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो, बेलपत्री के वृक्ष की छाल, उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो, चारों तरफ मत घुमाना नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जा। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआ कर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन कर। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, आप किसी से कह दो मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भग गया, दिया काहे को, हमसे पूछा था, हमने कहा था, दुनिया के लोगों के सामने जाकर कहोगे तो हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है लेकर भग गया, अच्छा है डूब गया, हमें किसी के सामने नहीं रहना। द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई, द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्व जला, ब्रह्मस्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर भगवान ने पूछा हुआ क्या, उत्तरा कहती मेरा गर्व जल रहा है, ब्रह्मस्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान के चरणों में चली गई, भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए, जो बालक प्रविष्ट हुआ परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी परीक्षित हो गया, श्रीमद भागवत में लिखा है। संसार वालों के आगे जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा के आगे जाकर कहोगे, परमात्मा हंसी नहीं उड़ाता, परमात्मा उस कार्य को सिद्ध करता, उसके सामने जाकर बोलो तो तुम बोलो ही नहीं और परमात्मा के सम्मुख में कहो कि मैंने तो सबके कह दिया, सबसे फोर्स लगा दिया, सबसे सोर्स लगवा दिया, ये करवा दिया, परमात्मा से जाकर निवेदन करो कि मेरा धन उलझा है, मेरा धन मैंने विश्वास रखकर करा था, दे दिया था, माँ अब आपको देना है, भगवान शिव की कृपा से वो पहुंचा दी आएगा। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है, शरद पूर्णिमा किसी भी समय पर कभी भी करो, उलझा हुआ धन माँ सुलझा दे, वापिस ले। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती, पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की, शिव और नारायण की पूजन करी जाती,
शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों? शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार, मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई, तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो, आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया। तो क्यों रो रही है तू अपूर्ण? अगर कह दिया पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना, चल मेरे साथ। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई, क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी आज से तो पूर्ण हो गई, लक्ष्मी आज से तो पूर्ण। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती। कितना सुंदर बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा पूजन में चावल भूल गए तो आपके मन में आ जाता है कि मैंने चावल नहीं चढ़ाया, बोलाता है कि नहीं आता? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा लो,
अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो चाहे पूजन करने वाले एक साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ ना कुछ रही जाता। अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की सामग्री में थोड़ा ना थोड़ा रह गया। अब मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये पूजन की सामग्री में क्यों रह गया, मेरे को ये चाहिए था ये तो रह गया, मैंने तो ये चढ़ाने के लाना था मैं तो ये भूल गई, उसका कारण क्या है। हमें लगता है कि त्रुटि हो गई, हमें लगता है कि गलती हो गई, पर शंकर भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था, हाँ उसका कारण क्या था। भगवान कहते हैं कारण केवल एक है, मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा, पहले कथा में वर्णन किया 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में फूलकम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, किसी को लगे, पूजा की थाली में पुष्प, पूजन की थाली में सामग्री अगर कम रह गई है तो आप ये विचार ना करें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होता सर। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर पूजन नहीं करेंगे, हमने ये सा नहीं करेंगे तो रुष्ट हो, नहीं नहीं नहीं, भगवान रुष्ट नहीं होता, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता अपने भक्त से। पूजा की थाली में सामग्री नहीं है, उसका कारण क्या है। भगवान शंकर की कथा कहती है, जिस दिन पूजन करने बैठे जान कर कोई सामग्री मत छोड़ कर जाना, नहीं तो तुम लोग हंसी खेल में कि चलो ये मत ले जाओ, ये नहीं, आप पूरी सामग्री जमा, और कोई सामग्री आप भूल गए हो तो समझ लेना कि भगवान आपके दरवाजे पर आने के लिए बेकरार हैं, भगवान आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं। अगर कोई सामग्री छूट गई, कोई सामग्री रह गई है जान कर हमको नहीं, जैसे श्रीफल नरियल जो हम भगवान के मंदिर में तोड़ते हैं फोड़ते हैं, माता जी के सामने हमने नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया, भगवान ने स्वीकार करा ना करा, अगर नरियल अच्छा निकल गया तो आपने थोड़ी सी चिटक निकाल कर भगवान को चढ़ाई, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के सब खा गए। और मान लो वही नरियल जो आपने भगवान को चढ़ाया फोड़ा और वो अंदर से खराब निकल गया, तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो नरियल अंदर से बेकार निकल गया वो भगवान ने पूर्ण स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये सड़ा हुआ नरियल तो चक्कू से निकाल के नहीं खाएगी, जब परिक्रमा लगाएगी तो मंदिर के पीछे पटक जाएगी, भगवान को मालूम इस चीज का, भगवान को इस चीज का ध्यान है कि ये मंदिर के पीछे पटकेगी। अब भगवान यही कहे, अब हमको लगा कि भगवान जो सड़ा नरियल है वो स्वीकार कर लिया, तो क्या आप मंदिर जाते समय दुकान पे से सड़ा नरियल लेके जाओगे क्या। अरे बोलो तो आप तो अच्छा बजा कर पानी देख कर खूब बजा बुझू के देख कर लेकर जाओ कि नरियल अच्छा होना चाहिए, आगे भगवान उसको कैसे स्वीकार कर रहा है, भगवान कैसे उसको प्राप्त कर रहा है, ये उसके आप तो श्रेष्ठ लेकर जाओ, आप तो पूरी पूजा की थाली को लगाकर पूरी पूजा की थाली को जमा कर पूजा पूजन का साहित्य रखकर पूजन की सामग्री को संपूर्ण जमा कर लेकर आप जाइए, कोई सामग्री रह जाए तो आप मन में उसके लिए खेद उत्पन्न ना करें, आप तो ये सोचें कि भगवान उसको स्वीकार कर रहा है और भगवान का मन है आज मेरे घर आना, आज भगवान चाहता है कि मैं अपने तेरे घर पर चलूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।